पर इस वक्त की कि पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। देखिए एसिम्प्टोमेटिक है और इनका जब रिपोर्ट आया है तो उसके बाद यही कहा जा रहा है कि परिवार की ये चॉइस होगी कि उनको अस्पताल में रहना है या फिर होम क्वारंटीन में रहना है, क्योंकि एसिम्प्टोमेटिक के साथ साथ मुंबई में ये नियम है डीएमसी द्वारा बनाया गया कि माइल्ड सिम्टम्स हो तो भी आप होम क्वारंटीन में रह सकते हैं, लेकिन ये आपकी पर्सनल चॉइस होगी और आपकी डॉक्टर की रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपको कोई और इसी के साथ साथ बीमारी ना हो तो आप रह सकते हैं, लेकिन इसके साथ अगर आपको किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की तकलीफ या कोई और बीमारी हो तब आपको अस्पताल का रुख करना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर अभी की यही ब्रेकिंग न्यूज है कि बच्चन परिवार में पहले दो लोग, सबसे पहले सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, उसके बाद बेटे अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब अभिषेक बच्चन का परिवार यानी कि ठीक है। शिवांगी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की कि पहले अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अब ऐश्वर्या और उनकी बेटी आराध्या भी कोविड पॉजिटिव पाई गई हैं। TV9 नेटवर्क 6 लैंग्वेजेस हिंदी इंग्लिश तेलुगु कन्नड़ मराठी एंड गुजराती 56 करोड़ इंप्रेशंस इंडियाज नंबर 1 न्यूज नेटवर्क TV9 नेटवर्क।